चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अभी तक हमने एमएस ऑफिस 2007 के अंतर्गत इसका होम मेन्यू देखा था। आज हम बात कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू की। इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट नाम से स्पष्ट है, कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंट, वर्ड, टेक्स्ट इंसर्ट करना या लाना, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें इंसर्ट मेन्यू में बहुत अच्छे से दे रखी हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू की बात करें तो इसमें है कवर पेज। एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत कवरिंग पेज की डिज़ाइनिंग लेआउट्स दिए गए हैं, जबकि 2003 के अंतर्गत इनको हमें क्रिएट करना होता था। तो ये अच्छा फीचर है इसका। तो यहाँ से आप जो भी डिज़ाइनिंग स्टाइल में कवरिंग पेज लेना चाहते हैं तो उसके कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं, जिसे हम फर्स्ट पेज भी कहते हैं या कवरिंग पेज के नाम से भी समझ सकते हैं। तो जो भी स्टाइल में हमें यहाँ पर लेना चाहिए, हम लेना चाहते हैं, वो कवरिंग पेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एक कवरिंग पेज मिल जाएगा, जिसमें आपको उस पर डेट वगैरह डालना है, आपका टाइटल यहाँ पर डालना रहेगा, यहाँ पर आप टाइटल डाल दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर डालना है, हम श्री एकेडमी डाल देते हैं, कंपनी नेम आप डाल सकते हैं, जो भी आपका टर्म पर, यहाँ कंपनी नेम डाल सकते थे, यहाँ पर टाइटल डाल सकते थे। तो इस प्रकार से कवरिंग पेज का, जिसमें इमेज वगैरह भी, यदि आपको ये इमेज नहीं चाहिए, दूसरा इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्र है, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट में ही ये पिक्चर ऑप्शंस हैं, इसके माध्यम से उस इमेज पर कोई भी दूसरा इमेज जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वो इमेज आपके पास होना चाहिए, जैसे हम ये इमेज दे देते हैं, या कोई और दूसरा अच्छा इमेज हम यहाँ पर जिसे कहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कवरिंग पेज पे हम अपना फोटोग्राफ चाहते हैं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बैकग्राउंड में चाहते हैं हम, ये देख पाएंगे आप, ये बैकग्राउंड में चला गया। तो इस प्रकार से कवरिंग पेज का कोई भी टाइटल वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कवरिंग पेज आप ले पाएंगे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज कवर। इसके बाद कवरिंग पेज डिजाइन हो जाने के बाद नया डॉक्यूमेंट आप इसमें इंसर्ट कर ही पाएंगे, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, जो भी आपको यहाँ से टाइप करना होता है। साथियों, अच्छे से सीखने के लिए हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिए, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एमएस वर्ड सीखने को मिलेगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। घर बैठे ही आप पूरा कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कहीं कोई चीज़ पूछना है तो जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चलिए, ब्लैंक पेज से ब्लैंक पेज मिल जाएगा। पेज ब्रेक, यदि आपका उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर कोई भी डेटा लिखा, कि हमने लिखा है, अब उज्जैन के बाद हमने कुछ और लाइन लिख दी, तो भोपाल लिख देता हूँ मैं, इंदौर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे अब जो डेटा लिखना है वो जस्ट नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तो हम यहाँ पर पेज ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ नीचे आ चुका है, ये तो ये क्या हुआ, अगला यानी एक पेज के बाद जस्ट ब्रेक आ गया, तो स्किप करेगा। अब नीचे पेज पे भी तो आ सकते थे हम, लेकिन उसके लिए आपको एंटर करना पड़ता, तो लाइन क्रिएट होती। जब लाइन क्रिएट होती है तो यहाँ पर ये समस्या आती है कि जो डेटाबेस है, अभी ठीक है, यदि आपका पेज एक या दो पेजेस आपके हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब डेटा आपका 500 पेज, 1000 पेज में पहुंचता है, और जब आप एंटर करके आगे बढ़ते हैं, तो उससे ब्लैंक स्पेस आपके डॉक्यूमेंट फाइल में क्रिएट होंगे। यानी उसमें वर्ड का, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ड बता रहा है, देखिए 5, यदि आप एंटर करके पहुँचेंगे तो हर वर्ड की एक लाइन क्रिएट होगी, और उतना कैरेक्टर डेटा उस आपकी फाइल में बढ़ेगा, यानी आपकी फाइल की लेंथ यहाँ पर बढ़ेगी। तो एंटर कर न करते हुए आप पेज ब्रेक लें, उससे बाकी का जो स्पेस ने हमने छोड़ा है उसको
मेमोरी में नहीं लेगा, ये फ़ायदा इसमें मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत उपयोगी हैं, इसलिए आप पेज ब्रेक का यानी कहाँ पर क्या चीज़ हमें लागू करना है, ये एक अच्छे यूज़र की पहचान होती है। और इसीलिए ऑपरेटर का नॉलेज में यदि हम बात करें तो वो वही बात की जाती है कि भाई आपको अच्छा नॉलेज है कि नहीं है। एमएस वर्ड में टाइपिंग करना और प्रिंट निकाल लेना बहुत नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करना वो थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पेज ब्रेक आ गया। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं, टेबल। टेबल से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और 2007 के अंतर्गत टेबल को क्रिएट करने के रो कॉलम के शॉर्टकट यहाँ पर काफ़ी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप एक बड़ी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें रो कॉलम्स हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते जाएंगे उतने रो कॉलम डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट होते जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं। जितने रो कॉलम लेना क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। इसके बाद आप डिफाइन कर दीजिए एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्लास, जो भी हमें लेना है वो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अब टेबल के अंतर्गत ही जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू को छोड़कर ये डिजाइनिंग में चला गया, क्योंकि टेबल से संबंधित कोई डिजाइनिंग करना है तो वो यहाँ पर लेआउट दे रखे हैं। अब हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम इन सारे ऑप्शन को ना देखते हुए वापस मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट में, क्योंकि एक तो हुआ टेबल जब हमने दिया टेबल के अंदर रो कॉलम से, दूसरा है इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो कॉलम की संख्या दे रहा है, कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। यदि जो हम सिलेक्ट किया है हमने वो कॉलम हमारे कार्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर जितने चाहें आप डायरेक्टली संख्या के आधार पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल को क्लिक करें, कितने कॉलम चाहिए, माना कि हमें 15 कॉलम चाहिए, 20 रो चाहिए। यहाँ पर अब जब इंसर्ट करते हैं इसे, ऑटो फिट बिहेवियर कैसा हो ऑटो फिट करने का, तो उसमें ऑटो में फिक्स कॉलम विड्थ के अनुसार करें, या फिक्स विड्थ टू कंटेंट के अनुसार करें, या ऑटो फिट टू विंडो, जो विंडो खुली है उसके अनुसार फिट करें। तो हम कंटेंट के आधार पर फिलहाल ले लेते हैं। कंटेंट में आप लेंगे तो आपको छोटी सी टेबल क्रिएट करके देगा, ये देखिए। लेकिन यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट करते, हम सिलेक्ट करते हैं ऑटो फिट कॉलम, अब आप यहाँ पर वही हम 15 कॉलम और 20 रो इंसर्ट कर रहे हैं सेम, लेकिन आप देखेंगे कि साइज में डिफरेंट है। इससे पहले वाली टेबल छोटी आई थी, ये बड़ी आई है, क्योंकि ये कॉलम से ऑटो फिट हो रहा है, जबकि कंटेंट जैसे ही आप कंटेंट लिखते जाएंगे ये फिट होता जाएगा, उतना स्पेस लेकर के चलेगा। यदि यहाँ पर आप मोबाइल नंबर बड़ी संख्या में, क्योंकि 10 डिजिट का आपको डालना होता है, तो उतना फिट हो जाएगा। अब इससे फायदा ये है कि यहाँ पर छोटा डेटा है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम नहीं लेगा, जबकि ऊपर वाले में कोई कंटेंट छोटा है तो वो जगह बराबर लेगा। अभी ये विड्थ हमने हमारे पास है नहीं, इसलिए ऑटो सेट कर रहा है। बाकी यदि छोटा वो होगा, कॉलम्स होंगे, डेटा कम होगा, तो वो स्पेस बनाए रखेगा। क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो टेबल से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे। एरर आ गया है, तो इंसर्ट में टेबल से इंसर्ट किया हमने, यहीं पर ड्रॉ टेबल भी है। ड्रॉ टेबल से आप ड्रॉ कर पाएंगे, यदि आपको अपने अनुसार टेबल चाहिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप कॉलम खींच दीजिए, जैसे हमें कॉलम चाहिए ये कॉलम खींच पाएंगे। यहाँ से हमें इसको दो भागों में बांटना है, लेकिन आगे का नहीं बांटना है,
तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये ड्रॉ टेबल में कहीं गलत हो गया तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, दूसरा इसे इरेज भी कर पाएंगे। तो जब आप ड्रॉ टेबल को क्लिक करेंगे तो ये उससे संबंधित फॉर्मेटिंग लेआउट से आ जाएंगे। इसमें इरेज है, जैसे हमें यहाँ पर डिलीट करना, जो स्टार वाला पॉइंट आ रहा है इसे इसके ऊपर लाइन के ऊपर रख करके क्लिक कर दीजिए, वो लाइन इरेज हो जाएगी। साथ ही साथ इसका फॉर्मेटिंग लेआउट भी हम देख लेते हैं, ये ऑटो फॉर्मेट है। हम एक बार इसको क्लिक करते हैं, एरो ले लेते हैं, यदि इनकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो आप सिलेक्ट करें और ये ऑटो फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेटिंग आप लेना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल लेआउट्स दे रखे हैं यहाँ पर, और उस फॉर्मेटिंग में आपको शेडिंग वगैरह शेडो उसका चेंज करना है, बॉर्डर आप चाहते हैं ऑल बॉर्डर आए, ये सारे हैं लेफ्ट में राइट में, हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर, ये देखिए आप ऑल बॉर्डर आ गया। यदि बॉर्डर का भी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उपयोगी हैं, तो आप यहाँ पर साइज निर्धारित कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह भी निर्धारित कर पाएंगे। इसके बाद एक बार ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा जो सिलेक्ट है उस पर वो डिजाइन स्टाइल लागू हो गया है। हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं, एक नया इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट में टेबल में इंसर्ट टेबल 20 मैं रो ले लेता हूँ, ये देखिए अब इसकी पूरी की फॉर्मेटिंग करना, जितने की फॉर्मेटिंग करना उतने को सिलेक्ट किया, उसका बॉर्डर का स्टाइल, उसका कलर, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से आप टेबल का फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ प्री डिफाइन दे रखे हैं, पहले से डिफाइन है, जो चाहें देखिए अब इस प्रकार से इसके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मेटिंग ऑटो फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। अब ऑटो फॉर्मेट में भी यहाँ पे देखिए आप हेडर रो, हेडिंग जो मेन होती है उनके लिए हेडर रो फॉर्मेटिंग है, फर्स्ट कॉलम ये देखिए आप फर्स्ट कॉलम डिजाइन में आ रहा है, टोटल रो तो टोटल रो के लिए टोटल रो का फॉर्मेटिंग लेआउट आ जाएगा, लास्ट कॉलम ये लास्ट कॉलम लागू हो जाएगा, है ना, बैंड कॉलम वे एंडिंग करेगा कॉलम को, ये फॉर्मेटिंग लेआउट्स दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि लास्ट कॉलम शो नहीं हो, इस प्रकार से डिजाइनिंग में नहीं आए, तो अब स्वतंत्र हैं उसके लिए, यानी आपको यहाँ पर वर्ड उस प्रकार की डिजाइनिंग लेआउट प्रोवाइड करवाता है। चलिए कलर हमने देख लिया, जिसे शेडो भी कह सकते हैं, सेलेक्ट करें, ये शेडिंग कलर है, बहुत सारे मल्टी कलर हैं, मोर कलर में जा सकते हैं आप, कस्टम में जा सकते हैं आप, सारे कलर्स हैं, जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। शेडिंग के अंतर्गत मिल जाएगा, नहीं चाहते हैं नो कलर कर दीजिए। तो इस प्रकार से फॉर्मेटिंग लेआउट्स अच्छे लेआउट में दिया है। एमएस वर्ड को अच्छे से सीखने के लिए सीखना ज़रूरी है, सीखने के लिए तो नहीं कह सकते, सीखना ज़रूरी है। वर्ड सीख लेने के बाद एक्सेल हमारे लिए आसान हो जाता है। एक्सेल में हम उन फॉर्मूले को देखेंगे जो उपयोगी हैं, फॉर्मेटिंग लेआउट को हम नहीं देखेंगे, इसलिए वर्ड से ही हमने स्टार्ट किया और हम वर्ड के हर एक ऑप्शन पर जा रहे हैं। तो टेबल से टेबल की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जब आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करते हैं या ड्रॉ टेबल को क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित फॉर्मेटिंग लेआउट्स आ जाते हैं और हम उनको लागू भी करते हैं। अब इसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं, मैं भी इसको डिलीट कर रहा हूं, इंसर्ट टेबल कर लेते हैं एक बार और। स्टाइल तो हमने देख लिया था, इसका स्टाइल के साथ में जो और भी चीज़ बताने वाला वो है मॉडिफाई क्लियर से। मॉडिफाई से अब जो स्टाइल प्री डिफाइन स्टाइल्स हैं, जिस प्रकार हमने फॉर्मेटिंग देखा था प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग जिसमें फॉन्ट वगैरह निर्धारित किया था, इस प्रकार स्टाइल भी आप यहाँ पर
बना सकते हैं। तो ये इसका एक अलग ऑप्शन है और उनका कलर स्टाइल। और कई बार समस्या आती है उसके फॉन्ट की भी, कि टेबल में हर एक रो का फॉन्ट आपको सेट करना होता है यदि हिंदी में आप चाहते हैं तो। स्टाइल में ये फ़ायदा रहेगा कि स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, बस अब जो भी लिखेंगे वो हिंदी का हो जाएगा। तो ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में यहाँ पे बॉर्डर में बॉर्डर शेडो वगैरह आप सब कुछ यहाँ से दे पाएंगे। ये पेज बॉर्डर भी है, यहाँ पे हम बॉर्डर की बात करें तो ये टेबल का बॉर्डर है। तो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग्स इसमें दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा यहाँ पर टेबल न लेना चाहें आप तो, क्योंकि टेबल में फॉर्मूले की थोड़ी समस्या आती है, तो आप यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट ले सकते हैं। सेम टेबल के जैसा है लेकिन एक्चुअली ये कहलाता OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। वर्ड के अंतर्गत रहते हुए यहाँ पर आप एक्सेल सीट इंसर्ट कर पाएंगे। एक्सेल सीट इंसर्ट करने से फ़ायदा ये है कि रहेगा टेबल की तरह, लेकिन जब डबल क्लिक करके आप इसको एक्टिव करेंगे तो एक्सेल सीट हो जाएगा। इसमें यदि आपको जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कॉलम बनाया है एक फीस वाला, जिसमें हमारी फीस है या सैलरी है, अब हमने सारे टोटल्स इसमें लगा रखे हैं और इन टोटल का हमें योग करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल सम कहाँ से कहाँ तक का, तो F2 से F6 तक का। हम कोष्ठक बंद करके एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। यदि आप यहाँ पे ₹5 भी ऐड करेंगे, ये पाँच नंबर फाइव आपने ऐड किया है, हम चूँकि फीस की बात कर रहे थे इसलिए ₹5 की बात की, तो ये 14,005 हो जाएगा। अब आप बाहर आ जाइए, ये देखिए आपका यानी फार्मूला उस पर लागू है। जबकि टेबल में हमें फार्मूला लगाने में थोड़ी समस्या आती है, आसानी से सारे फार्मूले वर्ड के अंतर्गत टेबल सपोर्ट नहीं करता है, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो एक्सेल वर्कशीट आप इसमें से ले सकते हैं। क्विक टेबल से डायरेक्टली आप प्री फॉर्मेटेड जो फॉर्मेट हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ पर ले सकते हैं, और एक क्विक टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें मंथ वगैरह का जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बना बनाया है एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत क्विक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आसानी से प्री डिफाइन फॉर्मेट को आप इंसर्ट कर पाएंगे। ये भी एमएस वर्ड 2007 की एक विशेषता है। ये देखिए आप मंथ के फॉर्मेट्स इसमें दिए गए हैं, जो फॉर्मेट लेना चाहें सेलेक्ट कीजिए, वो फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। उसमें कोई कैलकुलेशन कोई चेंजेस आपको करना है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉलेज न्यू स्टूडेंट है ना, ग्रेजुएशन स्टूडेंट कितने हैं, ये इस प्रकार के हैं, वैल्यूज़ आपको असाइन करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग्स हैं जिसमें फार्मूले भी इसमें लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के प्री फॉर्मेटेड फॉर्मेटिंग लेआउट्स 2007 के अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए टेबल हो गया, इसके बाद अगला ऑप्शन हम टेबल के कुछ फॉर्मेटिंग्स आगे भी देखेंगे। अगला आता है पिक्चर्स। ये पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर से कोई भी इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसको अभी भी हमने इंसर्ट करके देखा था, तो जो भी आपको इंसर्ट करना है उसे सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर लीजिए, ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। जब पिक्चर इंसर्ट होता है तो पिक्चर से संबंधित लेआउट फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। अब हम पिक्चर की फॉर्मेटिंग लेआउट से यहाँ पे सब कुछ समझ लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो पिक्चर का, जैसे 2003 की बात करें तो उसमें पिक्चर टूल बार आ जाता था, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी इसका बार आया है। ब्राइटनेस आप उसका लो डाउन अप डाउन कर सकते हैं उस पिक्चर का, जो भी आप लेंगे। देखिए ये डाउन हो गया है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं सेट करना चाहते हैं, ये देखिए अब सेट हो गया है। अब करना चाहते हैं ये देखिए आपको परिवर्तन मिलेंगे। कंप्रेस से सिकुड़ जाएगी पिक्चर, सिकुड़ जाएगी मतलब ऐसे नहीं, उसकी जो साइज़ है वो कंप्रेस आप कर सकते हैं। चेंज पिक्चर में दूसरा पिक्चर लेना है तो डायरेक्टली आप इंसर्ट कर पाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह नया पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। रीकलर में ग्रे स्केल वगैरह ये सारे फॉर्मेट हैं, डायरेक्टली आप पिक्चर पर ये लागू कर पाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 2000
थ्री के अंतर्गत ग्रे स्केल और तीन प्रकार के उसमें दिए थे, ग्रे स्केल दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट दिया था और कलर जो होता है वही दिया गया था, जबकि यहाँ पर अलग अलग डार्कनेस वगैरह लाइट ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक अच्छा फीचर्स यहाँ पर है, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन दिया गया है, पर्टिकुलरली कोई ट्रांसपेरेंट कलर हटाना है आपको तो अन्य एप्लीकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए वो कलर डिलीट हो जाएगा। ये 2003 में भी था, इसमें भी दिया गया, रीसेट से पूरी फॉर्मेटिंग हटा करके इमेज को रीसेट कर सकते हैं आप। तो हमने देखा पिक्चर कंप्रेस, पिक्चर कंट्रास्ट, रीकलर, मैं कलर साफ कर सकते हैं, तो ये इसके ऑप्शन है। इसके बाद 2007 के अंतर्गत डिजाइनिंग लेआउट अच्छे दे रखे हैं, और सेवन और उसके बाद के फीचर्स की बात कर रहे हैं। बार बार सेवन ऐसा नहीं है कि नया है, पुराना है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं बार बार 2003 और सेवन के बीच। चलिए तो यहाँ पर स्टाइल्स बहुत सारी हैं, जिस भी स्टाइल में आप पिक्चर को लेना चाहें क्लिक कर दीजिए, अच्छे से प्रेजेंट करेगा पिक्चर को। इसके बाद पिक्चर का बॉर्डर वगैरह आपको सेट करना है, ये देखिए बॉर्डर आ चुका है, इसमें बॉर्डर का कलर आप निर्धारित करें, उसके ऊपर इफेक्ट कैसा चाहते हैं, शेडो, डिफरेंट डिफरेंट शेडो दिए गए हैं नए वर्जन के अंतर्गत, जो भी आप पिक्चर पर शेडो चाहते हैं, पिक्चर के कोई शेप वगैरह चाहते हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्टली आप उस शेप में पिक्चर पर डालें, तो ये अच्छे फीचर्स हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी शेप आप लेंगे आपकी पिक्चर उस शेप में सेट हो जाएगी। चलिए उन शेप में भी फिर आप उस पर शेडो वगैरह सारे डिफरेंट स्टाइल सब लागू कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उसका पोजीशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, इमेज कहाँ सेट करना चाहते हैं डायरेक्टली आप उसका पोजीशन सेट करिए। वैसे भी आप माउस के द्वारा क्लिक करके भी इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग लेआउट से दिए गए हैं, आप जैसा उसको सेट करना चाहें। यहीं पर यदि एक से अधिक इमेजेस हैं, जैसे हम एक और इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, जहाँ पर आप लोगों को समस्या आती है उन पॉइंट को भी हम लेकर के चलेंगे ताकि आप अच्छे से उसको कवर कर सकें। यह हमने एक इमेज इंसर्ट किया, हमें इस इमेज को इसके बैक में लगाना, देखिए सेंड टू बैक, तो डायरेक्टली आप जो इमेज सेलेक्ट है उसे बैक में सेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा स्लो रहे, और यदि इसको आपको अप में लेके आना है तो जब एक से अधिक इमेज आपकी होगी तो यहाँ से आप सेंड टू बैक और फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये देखिए बैक चला गया है, और यदि आप इसे फॉरवर्ड करना चाहें तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहें तो लेफ्ट राइट सेंटर में मैनेज कर पाएंगे, ये सारे मिडिल है सेंटर है तो आप अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ क्रॉप यहाँ से कर पाएंगे, यदि इमेज को किसी कोने से आपको काटना है, ये क्रॉप करना है, ये देखिए ऊपर का भाग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रॉप भी यहाँ पर इमेज को कर पाएंगे, और डायरेक्टली हाइट विड्थ से भी आपको क्रॉप करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप इनको क्रॉप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ये हमारे सारे ऑप्शन हो गए हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग एक अच्छा फीचर है,
इसे भी समझ लेना आवश्यक है। कई बार ये स्थिति बनती है कि हमें कुछ डेटा इमेज के ऊपर लिखना है। हम लिखते हैं, डेटा टाइप करते जा रहे हैं। ये देखिए, मैं लिखना चाह रहा था लेकिन नहीं लिख पाया। यदि ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि हमें डेटा इसके ऊपर आ जाए हमारा, तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये वार्पिंग है। अब इसमें क्या चाहते हैं, स्क्वायर चारों तरफ जगह है, टाइट हो जाएगा डेटा, ये बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, तो जो हमारा टेक्स्ट है अब इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए आप, यहीं से आप ये रोटेट भी कर सकते हैं इसको, ये रोटेट का ऑप्शन है। साथ ही साथ वार्पिंग में और भी वार्पिंग्स पॉइंट दिए गए हैं। यदि टेक्स्ट को पीछे करना है, हालांकि टेक्स्ट फिर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी तो इसको कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। इमेज को यहीं से रोटेट आप कर सकते हैं, जितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है, 90 डिग्री में रोटेट हो गया है। अलाइनमेंट अभी हमने देख लिया था। तो इस प्रकार से ये इमेज से संबंधित सारे टूल्स हैं जिनका प्रयोग करके आप इमेज से संबंधित फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। 3D वगैरह में यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रीसेट में प्री डिफाइन स्टाइल रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके फॉर्मेटिंग, ब्राइटनेस वगैरह डायरेक्टली भी आप यहाँ से इमेज पर लागू कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, ये एरो को क्लिक करेंगे आप तो उससे डिटेल जो फॉर्मेटिंग्स हैं, ये देखिए, ये सब इसमें ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इमेज था अगला ऑप्शन। आगे क्लिप आर्ट्स हैं और बाकी के प्रत्येक ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अन्य साथियों तक पहुंचाने के लिए, डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।